नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 31 मई 2022 के ब्रॉडकास्ट पे, लाइव ब्रॉडकास्ट पे, फेसबुक पे सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मेरे इसमें, आपको पता है ये सिर्फ मेरे ही नेटवर्क प्रॉब्लम में, नेटवर्क में प्रॉब्लम देते हैं, आप तक रीच नहीं होने देते हैं। जैसे मेरे पोस्ट डालता हूँ तो उसको ब्लॉक किया जाता है, उसको कम व्यूज दिखते हैं। आप कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट ही दिखती है, आप लाइक करते हैं, मुझे लाइक नहीं दिखते हैं। कल का आंदोलन अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। अमरावती से, श्रीरामपुर से, मुंबई से, नंदुरबार से, जालना से कई सारे लोग आए थे। महाराष्ट्र औरंगाबाद के भी कई सारे थे क्रांतिकारी जो आए थे, और खेती बात जो यहाँ होते हुए भी वहाँ पे आए नहीं, लगता है उनको ये एंटरटेनमेंट ही अच्छा लगता है। तो एंटरटेनमेंट ही आपके लिए, डिवाइन आपका डिस्टिन आपको डिसाइड कर देगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। आपका डिस्टिन आपने लिख लिया है, आपका नसीब, आपका कर्मा आपको आपका फल देगा। कल और एक जन आए थे जो हैदराबाद से आए हैं, अगर वो आएंगे थोड़ी देर बाद मेरे से मिलने तो मैं फिर से लाइव उनके साथ करूँगा। कल एक मुंबई से आए थे दोस्त, धीरज भागड़े, मुंबई से। उन्होंने गिफ्ट दिया है, बॉक्स अनबॉक्स करता हूँ मैं गिफ्ट। कल लेट हुआ था, कल मैं देखा नहीं क्या है वो, आज आपके सामने खोल के देखते हैं कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। और एक गिफ्ट कल मुझे दिया है सत्यम क्रिएशन श्रीरामपुर, मगर उस पर मैं उनको कहा था कि आपने जो गिफ्ट दिया है उसको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वो आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले ये मुंबई के जो है, इन्होंने जो दिया है गिफ्ट से देखते हैं। ओके, ये तीसरा मग आया है मुझे अब। वी लव यू सर, थैंक यू, थैंक यू धीरज बागड़े जी। और मैंने आपसे जैसे कहा था, ये तीसरा मग है, क्योंकि सेकंड जो मग है वो दिया है कल श्री राव सत्यम के जो क्रिएशन से उन्होंने, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस मग को। इन्होंने दिया है ये जो मग, ये भगवान शिवशंकर तांडव करते वक्त, और इन्होंने बहुत खूब लिखा है, कृपया जिनको मेरे ऊपर तेवर भी उन्हीं वरदान है, शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उसका नाम है। ये उन्होंने बहुत खूबसूरत मग कल मुझे दिया, जिसके ऊपर इन्होंने मेरा फोटो भी लिखा है, लगाया है, और ये साइड से भगवान शिवशंकर तांडव करते वक्त, और पीछे जो है ना, देखिए पीछे पृथ्वी है, पीछे पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है ये उसका कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी तांडव है। आप पीछे देख सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी आप देख सकते हैं पीछे की साइड में। ये एक तरह से एक मैसेज है, ये ग्लास जो है ना, उन्होंने जो भी मैंने कहा है वो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तरीके से इस ग्लास के ऊपर, इस मग के ऊपर उन्होंने छाप दिया है। कृपया जिनका मेरे ऊपर तेवर भी उन्हीं का वरदान है, शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उनका नाम है। और एक चीज़ उन्होंने कल जो है वो गिफ्ट की है मुझे, ये कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु के जो विराट स्वरूप है, ये उसका उन्होंने दिया है। ये अर्जुन को उन्होंने जो भगवद गीता बताई, जो धर्म बताया, समर्थ क्रिएशन, ये उनका मोबाइल नंबर है, श्रीरामपुर के ही, ये 7972998 1917 समर्थ क्रिएशन।
और यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण हैं। अब जो आने वाले हैं वो भगवान कल्कि है, यहाँ पे अर्जुन को वो दे रहे हैं। और मैंने कहा है कि अब के अर्जुन तो हम ही हैं। भारत कोई नहीं लड़ रहा, कोई नहीं बात कर रहा, इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे हम लड़ रहे हैं। अब देखिएगा वो बुद्धि, तो वो जो है वो कल उनको मैंने कल मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आपको एक गिफ्ट पसंद आया क्या, तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक हिडन मैसेज जो है जो मैंने आपको बताया है आपने उसको प्रिंटेड फॉर्म में लाया है। तो उन्होंने सर कहा, मेरे साथ और एक है हमारे डॉक्टर डॉक्टर योगेश जयवाल मेरे साथ थे कल, तो वो भी मेरे साथ थे वहाँ पे। उन्होंने भी कहा, उन्होंने पूछा कि सर ये किस तरह से आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या। तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था भगवान शिव जो थे उनका जो अवतार था वो श्री कृष्ण, वो भारत जो है महाभारत तब घटा था, महाभारत का महायुद्ध तब घटा था। महाभारत का जो महायुद्ध हुआ था तो मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो जो शकुनी मामा था, वो शकुनी मामा जो है वो थे अपने अफगानिस्तान के पास के, वो अफगानिस्तान के पास के, उनका राज्य अफगानिस्तान था। जो शिशुपाल था उसका राज्य ये ताशकंद के आसपास था। जो एक राजा था मुझे पता नहीं है, उसको भीम ने फाड़ के एक लेफ्ट साइड में उसका बॉडी और राइट साइड की बॉडी लेफ्ट साइड में डाली थी, और उसकी जो 16,000 पत्नियां थी उसको कृष्ण ने एक्सेप्ट कर ली थी। वो जो थे वो कजाकिस्तान और ये साइड के वो राजा थे। जो बाकी के राजा थे वो कुछ इंडोनेशिया साइड से, कुछ चाइना साइड से, और तब पृथ्वी भारत इतना सा नहीं था, तब बहुत बड़ा था भारत साउथर्न रीजन में, उस साइड से कुछ राजा थे। तो ऐसा ये युद्ध जो लड़ा गया था महाभारत कहा गया, तो ये जो कॉन्टिनेंट था ना इतना एशियन कॉन्टिनेंट, इस एरिया में लड़ा गया था। अब जो जरासंध, यस गौरव श्रीवास्तव जी, जरासंध जो राजा था वो कजाकिस्तान की साइड से था। तो अभी जो है कल की महाभारत जो होने वाला है, हम पूरे पृथ्वी पे जो है लड़ाई करने वाले हैं, हम लंदन तक जाने वाले हैं। भारत का परचम जो है वो लंदन तक जाएगा। वो जो आधा महाभारत हुआ था ये पूर्ण पृथ्वी पे महाभारत होगा। तो ये जो अवतार है इसका जो है आखिरी लाइन लिखा है, भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य देह को प्रकट करता हूँ। तो अब जो है वो नित्य देह जो है वो पूरे पृथ्वी पे जो है वो अपना आधिपत्य स्थापन करेगा। तो ये फोटो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब उन्होंने वो कल गिफ्ट किया, इसलिए मैंने आपको आज फिर से वो एक्सप्लेन किया।